हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हम लोग बेरोजगारी मेला में जा रहे हैं और उसको देखते हैं कि आज कितने लोगों को रोज़गार मिलता है और हम लोगों को मिल पाता है कि नहीं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे एक दोस्त भी चलेंगे, तो आइए उनसे मिल लेते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज रोज़गार मेले में और उसका नाम हम लोग रखे हुए हैं बेरोजगार मेला, क्योंकि रोज़गार मेला में तो रोज़गार मिलेगा नहीं जैसा कि हम लोग को पता है। फिर भी हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। मैंने हेलमेट लगा लिया है क्योंकि मैं बाइक से जाऊंगा और बाइक पर जाते वक्त हेलमेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि रोज़गार मिले या ना मिले, बिना हेलमेट का जाने पे भगवान ज़रूर मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी लोग हम लोग रास्ते में हैं और ये भीड़ आप देख सकते हैं। शायद यहाँ कोई मंत्री आने वाले हैं और ये उन्हीं के स्वागत करने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे। हम लोगों को जिला मुख्यालय पहुँचना है, जिसका नाम है भभुआ कैमूर। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारे जिला मुख्यालय का जेल है, जो अभी नया नया बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने जिला मुख्यालय और यहीं पे नियोजनालय का ऑफिस है और वहीं पे रोजगार मेला लगा हुआ है और हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं जिला नियोजनालय कार्यालय में भभुआ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, आज रोज़गार मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं जिला नियोजनालय कार्यालय में, जहाँ यहाँ देख रहे हैं हमारे भाई लोग जितने भी हैं, ये सब लोग रोज़गार के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ आकर देखते हैं, हम लोग पूछते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रोज़गार मिल रहे हैं। तो आइए किन्हीं भाई से हम बात करते हैं, मिल गए हैं हमसे बात करने के लिए। तो भाई, यहाँ पर आप किस चीज़ के रोज़गार के लिए आए हैं? अच्छा, आपका भाई आया है, भाई के साथ आया है कोई? तो आइए और किसी से बात करते हैं। आइए, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है कि किस किस चीज़ का रोज़गार मिलेगा यहाँ पे। देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है SLV सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव हरियाणा, जिसमें दो पद है, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। दोस्तों, हमारे साथ चंद्रशेखर जी आए हुए हैं, जो लाइन में लग गए हैं। आज ये यहाँ से नौकरी लेकर ही जाएंगे, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मिले या फिर किसी भी चीज़ का मिले। क्यों चंद्रशेखर जी ऐसे बहुत दूर से आए हुए हैं? मोरिया से आए हुए, हम जॉब के लिए ही आए हुए हैं। ये फ्रेंड्स, हम देखते हैं सर से एक बात करते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज़ का रोज़गार आपको मिलेगा। तो सर, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज़ का रोज़गार मिल पाएगा? यहाँ पर सिक्योरिटी क्षेत्र में रोज़गार मिल रही है, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर। और कोई कंपनी नहीं अभी आई है? एक और कंपनी है, सिक्योरिटी के अलावा दो कंपनी। तो आप सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड हैं यहाँ पे। और मेरे एक और मित्र मिल गए हैं, पुराने, बहुत ही पुराने मित्र मिल गए हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं और ये अपना फॉर्म वगैरह सब भर रहे हैं, जो भी फिलअप करना है। तो फटाफट आइए। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, काफ़ी भीड़ लग गई है अब यहाँ पे और लोग लाइन से एक एक करके अंदर जा रहे हैं। उनका इंटरव्यू भी चल रहा है और एक पेपर भी दिया जा रहा है, जिसको फिलअप करके फिर जमा करना है। तो अब जैसा देख रहे हैं, सब लोग बैठ के अपना पेपर भी दे रहे हैं। और तो दोस्तों, हमारे शेखर जी का जो है इंटरव्यू हो गया है और इनसे अब बात करते हैं, इंटरव्यू दे के आ गए हैं। तो शेखर जी, बताइए कैसा रहा इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। अभी क्या पूछा गया? नेक्स्ट टाइम हमको भी और बुलाया गया है, ठीक है। अभी जो इसमें से जो लोग छटेंगे, उसके बाद मेरा होगा, ठीक है, बुलाया जाएगा। तो मतलब और क्या क्या पूछा गया इंटरव्यू में, थोड़ा बताइए। इंटरव्यू में मेरे से ओम का नियम पूछा गया और न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा गया, इस तरह का है। उसके बाद फिर मतलब आपको अभी वेट करने के लिए बोला गया? हाँ, बोला गया है कि वेट करिए, आप जाके बैठिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा एक मित्र फॉर्म भर के अभी जाके अब सबमिट कर दिए हैं और उसके बाद उनका जो हाइट वगैरह देख कर उनको ये हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये तो ये इनका ज्वाइनिंग लेटर है
और अब इनको जाके इस पर लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण वगैरह आपको देना पड़ेगा, तो इनको जाके अब ज्वाइनिंग करना है। और मेरे भाई को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए। अब आइए चलते हैं, एक और कंपनी है जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनी है और उसका भी इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, तो आइए मेरे मित्र जो हैं वो इंटरव्यू दे के आए हैं, तो उनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या क्या उनसे पूछा गया। आइए, एक और भाई हैं, उनको भी मिल गया है, इनको भी एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए। इनको भी एक बार ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, देख सकते हैं आप, तो इनको भी एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए। डायरेक्ट मार्केटिंग का कंसेप्ट मतलब होता है कि हमारी कंपनी का कोई भी फ्रेंचाइजी, डीलरशिप या कोई शॉप नहीं होता है, यानी कि हमारा कस्टमर मेरे यहाँ नहीं आता, मेरा प्रतिनिधि डायरेक्ट कस्टमर से रूबरू होता है, इसको डायरेक्ट मार्केटिंग का कंपनी का। जैसे मैंने बहुत सारे बंदे का इंटरव्यू लिया, उसमें से 3-4 बंदे ऐसे जो सिलेक्टेड है, 3-4 रिजेक्ट भी है, ठीक है, 3-4 बंदे ने काम कर लिया है, उनको पता चल रहा होगा। तो आपको जो कस्टमर मिलेंगे, तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड एक कंपनी है जिसके ये रिक्रूटमेंट हैं और ये रिक्रूट करने के लिए आए हैं और ये अपने कंपनी के बारे में लोगों को बतला रहे हैं। दोस्तों ये है ऑफिस जिसमें इंटरव्यू चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं और बारी बारी से एक एक लोग को बुलाकर इंटरव्यू ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इंटरव्यू चल रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करना ना भूलिए।